कि ये जो है ना आसफाबाद से लेके हम वहाँ से आगे चलेंगे लालपुर का चौराया है, फिर वो न्यू रामगढ़ का वो रामगढ़ थाने का चौराया है, फिर आगे जाके इधर आकाशवाणी रोड वाला रास्ता उसका चौराया है, फिर सैलई का चौराया है, फिर ये बम्बा चौराया जिसे कहते हैं, आगे जाएंगे गंगा रिसोर्ट जो है न्यू अम्बेडकर नगर और ये भगेल कॉलोनी के सामने और ककरू का चौराया। ये पूरी लगभग 6.5-7 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसमें पिछली बार आपको पता हो यहीं पर हमने पूजन किया था, 10 करोड़ रुपए की सड़क बनवाई थी। अब आपने देखा होगा इसकी कच्ची पटरी है, कच्ची पटरी है तो होता क्या है भाई साहब कि जब बरसात होती है तो कच्ची पटरी में आ जाता है कीचड़, तो वाहन चल रहे हैं तो दोपहिया वाहन है, साइकिल वाला है या पैदल चलने वाला है या रिक्शा है या छोटा वाहन है तो उसको असुविधा या फिसलने का डर रहता है। तो माननीय योगी जी की असीम कृपा नेतृत्व, माननीय केशव मौर्य जी की असीम नेतृत्व और कृपा और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ एक एक कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में पार्टी के लिए सदैव किया और समाज के सब लोग, माता बहनें, ये तो जनता के पैसे से काम हो रहा है। तो अब होगा क्या कि ये 4 करोड़ की लागत से ये दोनों पटरी बन जाएंगी, पटरी लगभग 4-5 मीटर चौड़ी हो जाएगी, फिर ये सड़क 7 मीटर अभी है, सोचो कि 12 मीटर की सड़क हो जाएगी, इसमें कितना विकास होगा। इससे पहले हमने जो NHI की जो सड़क थी जो मक्खनपुर से जरौली तक, वो पूरी रिपेयर करा दी, नई करवा दी, रेलिंग सही कराई। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर अभी नाला निकला हुआ है तो वहाँ पर जल भराव है, जैसे आसफाबाद बिजली घर पे, मटसेना वाले रोड पे, ऐसे 2-3 पॉइंट हैं, बाकी वो सड़क लगभग पूरी तैयार। ऐसे ही जरौली से मक्खनपुर NHI का हमने बाईपास बनवा दिया और अभी आने वाले समय में सबसे बढ़िया बात यह है माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्य जी की कृपा से ये जो सड़क है इस चौराहे से यहाँ से चनौरा तक 4 लेन हो रही है, 22 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गया है, बिजली के खंभे हटने का काम शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र के पार्षद, इस क्षेत्र के नेता, इस क्षेत्र के बुजुर्ग, माता बहनें, सभी की बड़ी कृपा से और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम होने जा रहा है इसके लिए, और मीडिया के बंधुओं की बड़ी कृपा, आप लोग समस्याएं उठाते हैं, हमें बताते हैं, हमारी लापरवाही पर हमें चौकन्ना भी करते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ।